हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेपर्स एडुकेशन। आई एम ऋचा तापड़िया एंड आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज लीडरशिप, जो कि आप सब लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ में की होगी, बट कितनी इफेक्टिव की है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कम्युनिकेशन, जो भी आप अपनी डेली लाइफ में करते हो, लेकिन उसमें कुछ मेथड्स है जो मैं आज आपको बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वॉट इज लीडरशिप? इट इज द क्वालिटी विच इन्फ्लुएंसेस द पीपल। क्या है ये क्वालिटी है जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मतलब उसका ऐसा इम्पैक्ट होता है टू डू एफर्ट्स विलिंगली इन अचीविंग गोल। लीडरशिप इस तरीके से होती है कि उसका इस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है कि वर्कर्स जो है वो विलिंगली क्या करेंगे, जो उसने इंस्ट्रक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, विलिंगली अचीविंग गोल। ऑब्वियसली गोल को अचीव करने के लिए हो रहा है, तो इस तरीके से लीडरशिप क्रिएट होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, दैट इज मोटिवेशन। लीडरशिप क्या है, एक तरीके से मोटिवेशन देती है कि हाँ इस तरीके से काम करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, लीडरशिप वाली क्वालिटी आनी चाहिए कि हाँ काम करवाने की क्वालिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम काम भी करवा लें और उन्हें मोटिवेट भी कर लें। तो लीडरशिप इस तरीके से क्रिएट होगी कि वो एक तरीके से मोटिवेशन देगा। इफेक्ट ऑफ सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो उसको टैकल करना आना चाहिए, उसे बोला जाएगा लीडरशिप। कोई भी अप एंड डाउन हो तो उस केस में क्या होगा, लीडरशिप इस तरीके से होगी कि लीडर जो है वो सब कुछ चीजें टैकल कर लेगा, मैनेज कर लेगा। हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट, अब इसमें क्या होगा कि लीडरशिप इस तरीके से क्रिएट होगी कि कुछ भी हो जाए वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज के साथ हमेशा मेंटेन करके रखेगा रिलेशनशिप्स को। वो कभी भी कुछ भी हो जाए हमेशा कॉपरेशन के साथ चलेगा, कोऑर्डिनेशन के साथ चलेगा। दैट विल क्रिएट द हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट। आइडियल पर्सनैलिटी, अब कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ऐसे कोई भी बंदे को लीडर बना दिया जाता है क्या? आपके क्लास में बनाया जाता था, स्कूल में बनाया जाता है क्या? नहीं ना, कि कोई भी छोटे मोटे बच्चे को बना दिया यहाँ पे कि वो टैकल ही नहीं कर पा रहा है। तो एक पर्सनैलिटी से होता है कि हाँ यार ये बंदा लीडर है, सही है, ये पूरी क्लास को भी मैनेज कर लेता है। तो एक इस तरीके से क्या होनी चाहिए, पर्सनैलिटी क्रिएट होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप मतलब कि लोग जो है, सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक लीडर रहता था हाँ एक्सेप्ट करते हैं, हाँ यार ये लीडर है, नहीं तो उसको मान ही नहीं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम लोग भी क्या करें, उसको एक्सेप्ट करें एज अ लीडर कि हाँ यार उसको तो सब कुछ पता है, वो सब मैनेज भी कर लेता है, तो वो लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर है, तो उसे एक्सेप्ट किया जाए। कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्या लीडरशिप अगर है तो क्या एक बार ही रहेगी, उसे एक बार ही लीडर बन के सब कुछ मैनेज करना है? नहीं, उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या रहेगी, वो प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि लीडर का काम ही यही है कि कोई भी अगर इश्यूज आए तो किसको बताएंगे, एम्प्लॉयज लीडर को पूछेंगे, लीडर के साथ मैनेज करेंगे, लीडर के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। देन एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर्स, जो भी उसके फॉलोअर्स मतलब जो उसकी बात सुन रहे हैं, तो क्या होगा उससे उसका एग्जिस्टेंस क्रिएट होगा, राइट? कि उसकी बातें सब सुनने लगेंगे। लीडरशिप क्रिएट इसलिए किया है कि लोग उसे मोटिवेट हो, जब मोटिवेशन आएगा तो लोग अच्छे से काम करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, फॉलोवर्स क्रिएट होंगे, क्रिएट्स इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप्स। इसमें क्या होगा, लीडरशिप ऐसा होना चाहिए कि इनफॉर्मल आपका रिलेशन हो, आप फ्रेंडली बात कर सको, ऐसे बॉसी नेचर नहीं होना चाहिए। बॉसी होगा तो मोटिवेट हो ही नहीं पाएगा, वो कुछ फ्रेंडली आपसे कुछ पूछ ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें क्या करना है, इफेक्टिव और इनफॉर्मल रिलेशन आपको बिल्डअप करना है। तो ये सब हमने क्या देखी, ये सब चीजें हमने इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी लीडरशिप की। लीडरशिप की ये मेमोरी टेक्निक हमारी स्किप हो गई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें MS धोनी ने, MS दैट इज मोटिवेशन एंड इफेक्ट ऑफ सिचुएशन, देन धोनी ने IPL दैट इज हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप, MS धोनी ने IPL में कंटिन्यूअस दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस 6 मार के अपने फॉलोअर्स को एंटरटेन किया, दैट इज ई फॉर इफेक्टिव रिलेशनशिप। तो MS धोनी ने IPL में कंटिन्यूअस 6 मार के अपने फॉलोअर्स को एंटरटेन किया। तो इस तरीके से इसका ये क्या हो गया, एक मेमोरी टेक्निक क्रिएट हो गया।
नाउ क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, गुड लीडर की क्या क्वालिटीज हो सकती है? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल क्वालिटीज में मतलब हम बोलते हैं हाँ यार अट्रैक्टिव होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए कि हाँ देखने से लगे कि ये लीडर है, उसे क्या बोला जाएगा? दैट इज कि वो फिजिकल क्वालिटीज उसके अंदर है। इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, जब हम बोलते हैं कि हाँ उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, उसको जो भी पूछे, जिस फील्ड के अंदर उसको लीडर बनाया गया उसको उसके रिलेटेड सब कुछ आना चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम्स लेके एम्प्लॉयज आए तो उसको क्या कर सके, वो उसको सॉल्व कर सके, दैट इज इंटेलेक्चुअल। एंड साइकोलॉजिकल मतलब कि उसको देख के हाँ कि उसको कॉन्फिडेंस है, उसका एटीट्यूड है लीडर वाला, तो उसे बोला जाता है साइकोलॉजिकल क्वालिटीज। तो ये सारी क्वालिटीज क्या है कि एक लीडर में होनी चाहिए। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है, मैं यहाँ पे आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो उस केस के अंदर मैं तो यहाँ से आपको बोल रही हूँ, लेकिन क्या मेरे पास कोई रिस्पॉन्स आ रहा है? अभी नहीं आ रहा। जब आप लोग मुझे फीडबैक दोगे तो दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं ओरली भी होता है, रिटन भी होता है, बहुत सारे इसके अलग अलग मेथड्स हैं जो कि हम देखने वाले हैं किस तरीके से होता है। जब हम बोलते हैं, जब हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आप लोग गेम्स खेलते हैं दैट इज दम शराज, तो उसमें आप एक्शंस करते हो और सामने वाला पर्सन उसको पहचानता है, राइट, रिकॉग्नाइज करता है, तो वो क्या है? वो भी एक तरीके से कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन एक तरीके से सामने वाले पर्सन को मैसेज देना, वो आप कोई भी तरीके से दे लो, बाय वर्ड्स, बाय फीलिंग्स, इमोशंस, किस तरीके से भी आप उसे कन्वे कर रहे हो उसे बोला जाता है कम्युनिकेशन। मैं यहाँ से बोल रही हूँ और सामने वाले पर्सन को अगर समझ में आ रही है वो चीज, तो उसे बोला जाएगा कम्युनिकेशन, इसमें वो मुझे वापस फीडबैक देता है। तो चलो हम देखते हैं क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, लेटर, इंस्ट्रक्शंस एंड ओपिनियन। जब भी हमारे कोई भी किसी के भी साथ हम डिस्कस करते हैं हमारे ओपिनियंस, एडवाइस, सजेशंस, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कम्युनिकेशन। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, मोटिवेटिंग एक्टिविटी। मोटिवेटिंग, जब हम बोलेंगे एम्प्लॉयर कम्युनिकेट करेगा एम्प्लॉई के साथ, तो क्या करेगा वो? एक तरीके से कम्युनिकेशन इस तरीके से कर रहा है कि वो क्या हो जाएगा, उसमें वो मोटिवेट हो जाएगा, एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाएंगे। इस तरीके से कम्युनिकेशन फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करेगा कि एम्प्लॉय अपना कोई भी पर्सनल भी कोई चीज होगी या कुछ फीलिंग्स होगी तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयर को बता देगा। तो इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन लेवल क्रिएट होता है। मैनी टाइप्स एंड मेथड, जो कि हम आगे देखेंगे कि बहुत टाइप्स के और बहुत मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के। हम बोलते हैं ओरल होता है, रिटन होता है, वीडियो के थ्रू होता है, देन ऑडियो विजुअल होता है। तो ये सब क्या है, जिससे हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल हम करते हैं, राइट, जिसे हम बोलते हैं वीडियो कॉल और ऑडियो दोनों हो जाता है, वो सब क्या है, वो एक तरीके से कम्युनिकेशन है। टू वे प्रोसेस, वही मैंने कहा, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, सामने वाला पर्सन वापस उसका रिप्लाई करेगा तो उसे बोला जाता है कम्युनिकेशन। सिर्फ मैं अकेले बोले जा रही हूँ तो कम्युनिकेशन हुआ क्या? नहीं, क्योंकि सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो दैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन। क्लियर वर्ड्स एंड लैंग्वेज, जब भी आप कुछ कम्युनिकेट करो, कोई भी मैसेज आप किसी को देना चाहो, तो क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को समझ में आना चाहिए। जिस तरीके से मैं बताना चाहती हूँ वो सामने वाले पर्सन को उसी तरीके से समझ में आना चाहिए। ऐसे नहीं मैं कुछ और बोल रही हूँ वो कुछ और इंटरप्रिटेशन निकाले, तो दैट इज नॉट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ बताता है तो ऐसा है कि एक बार कम्युनिकेट करेगा फिर नहीं करेगा, नहीं, ये कंटिन्यू चलेगा कि एम्प्लॉय को कुछ चीज समझ नहीं आएगी तो एम्प्लॉयर से पूछेगा, अपने सीनियर लेवल से पूछेगा। तो ये क्या होगा, ये मैनेजमेंट, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता जाएगा, ऐसे नहीं एक बार बता दिया वापस नहीं बताएगा। रिलेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ये मोस्टली हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ ही इश्यूज आएंगे, उनके कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, उन्हें कुछ सॉल्व करना रहेगा, उन्हें कुछ ना कुछ काम पड़ता रहता है। तो ये रिलेशन मोस्टली किसके साथ कम्युनिकेट होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेशन लेवल क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि हमें हमारा गोल अच्छे से अचीव करना है, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा ना, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उन्हें डायरेक्ट करना पड़ना है। ये हम सब कुछ डायरेक्टिंग की प्रोसेस ही देख रहे हैं कि उसी का ये पार्ट है कम्युनिकेट करना। मैनी इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इक्विपमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं, हम मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, या वेरियस ऐसे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम चैट कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमारा मैसेज एम्प्लॉयज तक पहुंचना चाहिए। एंड ह्यूमन प्रोसेस है, ह्यूमन के बिना तो होगा ही नहीं कम्युनिकेशन, दो पर्सन तो चाहिए ही ना,
उसके बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में ह्यूमन प्रोसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी टेक्निक, एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये दोनों एम से हो गए एंड दिस इज सी स्क्वेयर, क्लियर वर्ड्स एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये टू वे जो प्रोसेस था मैंने इसको स्क्वेयर कह दिया, तो ये एम स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर और ये टू मतलब स्क्वेयर हो गया। एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर ने एडमिनिस्ट्रेटिव गोल अचीव करने का एक प्रोसेस सोचा। एक में ई वाला इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेस इज ह्यूमन प्रोसेस सोचा। क्लियर है? तो टेक्निक इजी है। एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर ने एडमिनिस्ट्रेटिव गोल अचीव करने का एक प्रोसेस सोचा। नाउ नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे कि कुछ मेथड्स होते क्या होते हैं, ओरल में आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, रिटन में मैं लिख के दूंगी वो भी कम्युनिकेशन हुआ, विजुअल मतलब सिर्फ देखने से कम्युनिकेशन हो सकता है कि मैं देखने से आपसे कुछ सिर्फ बातें कर रही हूँ, जो मैंने कहा दमशराज ऐसा कुछ हो गया तो आप क्या कर सकते हो उसमें, आप उसमें रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो विजुअल एक्टिविटी, कोई वीडियो देखना भी एक कम्युनिकेशन होगा जिससे आप समझ रहे हो। ऑडियो ऑडियो विजुअल एंड साइलेंस, साइलेंस भी एक तरीके से कम्युनिकेशन है। कुछ नहीं बोलना भी क्या होता है, कम्युनिकेशन होना है, क्योंकि अगर कुछ नहीं बोल रहे तो हम उसका मतलब हाँ समझ लेते, एक्सेप्टेंस मान लेते हैं, और जब हमें मिल गया हाँ है उसका, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग टाइप्स के मेथड्स हैं जो हम बोलते हैं कम्युनिकेशन है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल क्या होता है, जब हम बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जो हम बोलते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है कि आप डायरेक्टली जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट सुपीरियर के साथ जाके बात नहीं कर सकता, उसको एक पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, या हायर लेवल अथॉरिटी डायरेक्ट एम्प्लॉय से बात नहीं कर पाएगी, उसे पूरी एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, दैट इज फॉर्मल। और इनफॉर्मल जब बोलते हैं फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट होते हैं जहाँ पे फ्रेंडली हम बात कर सकते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। वही चीज है। एनी कम्युनिकेशन दैट डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इज इम्प्लीमेंटेड फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और ये क्यों किए जाते हैं कि हम हमारे गोल को अच्छे से अचीव कर सके, इसलिए ये कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसको बोला जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए देखते हैं। सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स आर फॉर्मली रिलेटेड, मैंने बताया फॉर्मल होगा यहाँ पे सब कुछ। ऑब्जेक्टिव इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं यहाँ पे सब कंट्रोल से हो। इनफॉर्मल में आपको कंट्रोलिंग जैसा कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे कंट्रोलिंग रहेगी। फॉर्मल हमेशा कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में ही होता है, ओरल जो होता है फॉर्म वो बहुत कम चलेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मली में सब रिटन होता है कि हाँ कभी भी कुछ डिस्प्यूट हो तो वहां लिखा रहेगा कि हाँ ये लिखा था इसमें, इसलिए हमने ऐसा किया, तो ये रिटन फॉर्म में होगा। एक्सेप्टेड एज अ पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉलिसी ही मानी जाएगी कि हाँ ये हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, दैट्स इट। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये पूरे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इजी एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड है, क्यों, क्योंकि रिटन फॉर्म में, एंड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने देखी। अब कुछ इनफॉर्मल जो मैंने कहा हम लोग बात करें फ्रेंडली, दैट इज इनफॉर्मल, विच डिपेंड्स ऑन ह्यूमन रिलेशन फ्रेंडशिप अमंग एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज इनफॉर्मल। ऑब्वियसली बात है, जब ये कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करने, कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ कंट्रोलिंग नहीं है, तो ये इनफॉर्मल रिलेशन हो जाएगा, फ्रेंकली हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, जहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन हो। डिपेंड्स ऑन ह्यूमन रिलेशन क्रिएट होंगे। कंट्रोल और ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ कुछ कंट्रोलिंग नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल और इजी प्रोसेस होगी। एक्सप्लेन ओरली और थ्रू सिम्बॉलिक लैंग्वेज आप यहाँ यूज कर सकते हो, या रिटन फॉर्म जैसा कुछ नहीं रहेगा। फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट होंगे। प्रोसेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो कि हम फॉर्मल में देखते हैं पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मोर कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिबिलिटी यहाँ पे होगी, एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू फॉर्मल कम्युनिकेशन को ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये सब चीजें हमने क्या देखा, ये कुछ इनफॉर्मल के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब डिफरेंसेस दिए कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल के, दैट इज मीनिंग। सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन रूल्स रेगुलेशन कम्प्लीशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन फ्रेंडशिप क्रिएट होगी। यहाँ पे जो पर्पस है वो क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, और यहाँ पे क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिबिलिटी यहाँ पे मेंटेन रहेगी। यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, यहाँ रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट होंगे। यहाँ पे यहाँ कंट्रोल एंड सुपरविजन रहेगा, हाँ क्योंकि फॉर्मल है, यहाँ पे तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा।
फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी, क्यों? क्योंकि पूरा एक प्रोसेस रहेगा, स्टेप बाय स्टेप ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे टाइम क्या रहेगा, इट टेक प्लेस एट वर्क, यहाँ पे वर्क प्लेस पे होगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पे एनी प्लेस और ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, क्योंकि इनफॉर्मल है तो ये आप कभी भी टेक प्लेस है, लेकिन यहाँ पे प्लेस क्या होगी, आपकी वर्क प्लेस होगी। इन्फॉर्मेशन इन एडवांस डिसाइडेड बिफोर है, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, पूरी क्या होगी, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पूरी प्रोसेस में होगी, तो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा ये इन्फॉर्मेशन देना है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये बिफोर हैंड डिसाइडेड नहीं होगा, यहाँ पे डिसीजंस पहले नहीं लिए जाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल भी डिसीजंस पहले नहीं होगा। सो ये सब हमने क्या देखे, ये सब कुछ हमने डिफरेंसेस देखे इसके अंदर। नाउ बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब 2 पर्सन बात करते हैं तो उसे कब बोला जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या उसमें कुछ रुकावटें आ सकती है, तो वही चीज हम देख रहे हैं कि बैरियर्स क्या हो सकते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को रोकेंगे, आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट होने से रोकेंगे, क्या रुकावटें हो सकती है वो हम देखते हैं। क्या है, लैक ऑफ प्लानिंग, आपने प्लान ही नहीं किया कि आपको बोलना क्या है, आपको क्या मैसेज कन्वे करना है। जब आप अपने मैसेज के लिए क्लियर नहीं हो तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं है इंफॉर्मेशन और आप बोले जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दोगे सामने वाले को, आप कुछ गलत बोल दोगे, तो ये सब चीजें गलत होगी जो आपके लिए एक बैरियर होगा, तो प्लानिंग क्रिएट होनी चाहिए। फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन कि हम बोलेंगे अपर लेवल मैनेजमेंट ने कन्वे करने के लिए कहा है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, और उन्होंने पूरा कन्वे किया है इंग्लिश में, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को इतने अच्छे से इंग्लिश पता नहीं है, तो वो क्या कर रही है, वो उसी को कन्वे कर रही है अपने तरीके से, तो ट्रांसलेशन इश्यूज आ सकते हैं, कोई कोई चीजों में उन्हें नहीं पता है वो क्या है, लेकिन तो भी वो कन्वे कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आएगी, यहाँ पे ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। अनक्लियर मैसेजेस, अनक्लियर जो कि क्लियर नहीं है, मैसेजेस आप क्या कर रहे हो वो ही क्लियर नहीं है, तो कम्युनिकेशन क्लियर कैसे होंगे, तो दैट इज ऑल्सो द इशू। अनक्लियर अजम्पशंस, अजम्पशंस ले लिए गए, कोई भी यहाँ पे हम बोलते हैं मैसेजेस प्रॉपर नहीं है तो क्या होता है, अजम्पशंस ले लिया जाता है, राइट? अपर लेवल मैनेजमेंट ने बोल दिया कि आई वॉन्ट टू सी द मीटिंग टूमोरो, तो उस केस में क्या हो गया कि आई वॉन्ट टू सी दैट योर वर्क शुड बी कंप्लीटेड टिल टुमारो, तो टिल टुमारो कहाँ तक है ये पता ही नहीं है, और सामने वाली पार्टी ने जूनियर लेवल ने सोचा कि हाँ टुमारो मतलब होगा कि इवनिंग तक, लेकिन मैनेजमेंट का काम क्या था, मैनेजमेंट को था मॉर्निंग में दिखाना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अजम्पशंस ले लिए गए, तो ऐसे अगर अजम्पशंस होंगे तो कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर नहीं होगा, इसीलिए आपको कम्युनिकेशन जहाँ कर रहे हो आपको सेम टाइम सब कुछ उसमें प्रॉपर बताना पड़ेगा, अजम्पशंस पे चलोगे तो कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा। शॉर्टेज ऑफ टाइम, जब कम्युनिकेशन होता है तो उस केस में अगर अपर लेवल से कुछ आया कि आपको मैसेज कन्वे करना है लोअर लेवल को, राइट? अब जैसे ही वो मैसेज आया और मुझे फटाफट करना पड़ा क्योंकि लोअर लेवल को आज ही वो काम कंप्लीट करके जाना है, तो मैंने देखा भी नहीं, फटाफट कन्वे कर दिया, तो ये क्या हो गया, शॉर्टेज अगर टाइम का होगा तो उसमें से भी कम्युनिकेशन इश्यूज आएंगे, हो सके उसमें कुछ ऐसी चीज थी जो मुझे नहीं बतानी थी लोअर लेवल को, अब जो अपर लेवल से है वो तो ये देख के करेगा कि हाँ मिडिल लेवल को पता है कि उसे क्या चीज कन्वे करनी है, बट मुझे पता है शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो मैंने ऐसे ही दे दिया, तो इससे क्या होगा, बैरियर आएगा, तो ये भी एक शॉर्टेज हो जाएगा। देन ओवर बर्डन इन कम्युनिकेशन, वही चीज है कि अगर ऑलरेडी काम इतना है मेरे पास तो क्या हो जाएगा, वो कम्युनिकेशन को इग्नोर कर दिया जाएगा, तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, ऑलरेडी मेरे पास इतना वर्कलोड है कि वो चीज मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी और वो क्या होगा, मेरे पास से डिले हो जाएगा, तो ऐसे भी बैरियर्स आ सकते हैं। डिस्ट्रस्ट एंड फियर, अगर भरोसा ही नहीं है तो कम्युनिकेशन हमेशा डाउटफुल चलेगा कि मैंने इसको कम्युनिकेट किया है और पता है कि इसको नहीं करना है थर्ड पार्टी को, लेकिन हमेशा डाउट रहेगा यार वो तो कर देगा, तो अगर डिस्ट्रस्ट और फियर और डर रहा तो इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, तो आपको हमेशा एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा और जो फियर है वो भी आपको खत्म करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडिया, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, मीडिया क्या है, मेल से कर रहे हो, टेलीफोन से कर रहे हो, अदर फॉर्म से कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है कि अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से रुकावट आपके लिए पैदा कर देगा। ठीक है, नाउ सम मेजर्स आर गिवन कि कैसे हम ये बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं,
जो हमने बैरियर्स अभी देखे उसको हम कैसे खत्म करेंगे? सिस्टम शुड बी अरेंज एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आप कम्युनिकेशन बिल्डअप करो। ऐसे नहीं आपने कोई भी कम्युनिकेशन यहाँ पे बिल्डअप कर दिया। आपको फॉर्मल रखना है, इनफॉर्मल रखना है, आपका स्ट्रक्चर कैसा ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका इंफॉर्मेशन प्रिसाइज होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को समझ में आए, एम्प्लॉयज को क्लियर हो, उनको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए। अप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज कीजिए, ठीक है, जिससे हमें पता है कि लिंक नहीं टूटे। क्लियर इंफॉर्मेशन जो मैंने कहा है वही वो डायरेक्ट वहां पे रिसीव होना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ कुछ और कन्वे कर रही हूँ, रिसीवर को कुछ और पहुंचा, तो इस तरीके से हमें मैसेजेस कन्वे नहीं होने चाहिए। टू वे प्रोसेस सो अरेंज इन द मैनर एज इंफॉर्मेशन मस्ट फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन इजिली। टू वे होता है, यहाँ से भी जाएगा और वहां से भी आएगा, तो इस तरीके से टू वे प्रोसेस क्रिएट होना चाहिए बहुत इजिली मैनर में। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉपरेशन इज मस्ट। ये मैंने पहले भी बताया आपको बैरियर्स में था कि ये बिल्डअप होना चाहिए, उसके बिना हमेशा डाउट रहेगा कि कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ इश्यू है या गलत हुआ है। सिस्टम शुड बी फास्ट एंड गोल ओरिएंटेड। देखो जैसे ही कोई कम्युनिकेशन लेवल ऊपर से आता है कि हमें ये मैसेज कन्वे करना है, आप लेट मत करो, क्योंकि जब तक आप लेट करोगे आपका मैसेज हो सके कुछ और ही पहुंचे। मॉर्निंग में मुझे मैसेज मिला था कि मुझे देना है और मैं दे रही हूँ इवनिंग में, तो जब मुझे वो इन्फॉर्मेशन उस टाइम जो मिली थी मेरे पास एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी, बट इवनिंग तक क्या हुआ, मैसेज में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अलग हो गया, तो ये क्या होगा, ये बैरियर हो सकता है। तो इसीलिए जब आपके पास मैसेज आए तभी आप उसे कन्वे कर दो। कम्युनिकेशन चैनल हमेशा शॉर्टर होना चाहिए। जब हमने फॉर्मल में देखा एक प्रोसेस होती है, तो जितना चैनल आप बड़ा करोगे उसके पास से उससे पास जाएगा, उसके बाद उसके पास जाएगा, तो इससे क्या होगा आपका इंफॉर्मेशन उतना एक्यूरेट कभी भी नहीं हो सकता। तो जितना एक्यूरेसी आपको रखना है, जितना रखना है उससे शॉर्ट से शॉर्ट आप चैनल रखो, कि ताकि आपका इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से ही जाए। टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए कि आपके सिस्टम में कोई इश्यूज ना हो, आप जो भी सिस्टम कुछ मेथड्स यूज कर रहे हो वो एक्यूरेट एंड प्रॉपर हो। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर। जो भी इंफॉर्मेशन आप पहुंचाना चाहते हो वो क्लियर होनी चाहिए। उसका ब्रॉडकास्ट जब कर रहे हो, जब उसको आप कन्वे कर रहे हो, तो एकदम प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। जितना शॉर्ट हो सके उसे उतना शॉर्ट कीजिए, कि इंफॉर्मेशन ज्यादा बड़ा ना हो। ज्यादा बड़ा होगा तो कम्युनिकेशन में इश्यूज आएंगे, कंफ्यूजिंग होगा। तो इस तरीके से ये सब चीजें क्या है कि हम कैसे कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते। तो ये आज मैंने आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाया है, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। होपफुली इसमें मैंने कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करवाया, तो प्लीज आप इसे देखिए और समझिए। इसमें कोई भी इश्यूज आपको आए तो आप बताइए। मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है कि एग्जाम टाइम में आप वन डे बिफोर इसे कैसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए कि जो आपको बहुत ही इजिली हेल्प करेंगे करने के लिए। सो प्लीज इसे देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।